उभे राय गार्डनच्या गणेशोत्सवाच्या दर्शनाला आलोय. उभे राय गार्डनच्या सर्व रहिवाशांच्या जीवनामध्ये त्यांना सुख समाधान मिळावा अशी गणपतीच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि आपल्या महाराष्ट्र मुंबईवरची सारी संकट दूर होत महाराष्ट्राला मुंबईला विकासाकडे नेण्यासाठी आमच्या सारख्या कार्यकर्त्यांना लोकप्रतिनिधींना गणपती बाप्पा ताकद देव आणि सर्वांच्या जीवनामध्ये आनंद देव अशी प्रार्थना मी बाप्पाच्या चरणी केली. 20वा वर्ष गणपती उत्सव मनाने का. अगले साल हमारी सिल्वर जुबली है. काफी उत्साह है. जहाँ तक ओबेरॉय गार्डन का सवाल है, हम सब जानते हैं कि ना ही ठाकुर विलेज में ना ही नॉर्थ मुंबई में वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है पूरे मुंबई में करके. यहाँ पे हर साल हमारे यहाँ प्रवीण दरेकर जी से लेके और भी बड़े मतलब जितने भी हमारे नेता हैं, नेतागण हैं, सीनियर हैं, MMP हैं, MLAs हैं, हमारे नगर सेवक हैं, हर साल उनका यहाँ पे हमारा आना होता है, विजिट होता है, बप्पा का आशीर्वाद लेने सब आते हैं. ओबेरॉय गार्डन्स की और बाकी बात की जाए तो ना ही डेकोरेशन में, कल्चरल प्रोग्राम में स्किल हम आजू बाजू की बिल्डिंग और आजू बाजू सराउंडिंग में सबसे बेस्ट मानी जाती है. आपने देखा होगा यहाँ के लोग काफ़ी दिलों से और काफ़ी अच्छी तरीके से यही गणेश उत्सव में सभी उत्सव हम अच्छा मनाते हैं. नवरात्रि हो, गणपति हो, दिवाली हो, तो गणपति से ही उत्साह शुरू होता है, दिवाली से क्रिसमस तक जाता है हर साल का. नमस्ते, मेरा नाम जतिन कावा है. मैं वार्ड क्रमांक 25 का युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ. बहुत खुशी की बात है कि आज गणेश चतुर्थी के पर्व पर सारे VIPs आ रहे हैं दर्शन के लिए. ओबेरॉय गार्डन्स एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग, एक लैंडमार्क बिल्डिंग है ठाकुर विलेज की. वन ऑफ द फर्स्ट सोसाइटी है. आज ओबेरॉय गार्डन्स को बने हुए 25 साल हो गए, उसमें से 24 साल से तो गणेश चतुर्थी का हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे. आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह होती है आपको पूरी कोई सोसाइटी में देखने नहीं मिलेगी. ये रही बात हमारी सोसाइटी के हिसाब से, अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो ऑल्सो, BJP हैज बीन द मोस्ट फेवरेट पार्टी इन ओबेरॉय गार्डन्स, वेयर वी हैव रिकॉर्डेड 80% से ज़्यादा वोटिंग BJP को दी गई है. हमारे यहाँ पे 312 फ्लैट है, 312 में से अगर 80% गए हैं सिर्फ BJP को, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि BJP की क्या फेवरेटिज्म है यहाँ पे. पीयूष जी की बात करें तो पीयूष जी तो भारत के सबसे लाड़के नेता है, मोदी जी के राइट हैंड माने जाते हैं. उत्तर मुंबई का सौभाग्य कहेंगे कि पीयूष जी जैसे बड़े वक्ता हमारे नेता बने हैं, हमारे प्रतिनिधि बने हैं, लोकसभा के प्रतिनिधि बने हैं. उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो बोल सकते हैं, उन्होंने उसमें बताया था कि ग्लोबल्स मॉल के पास जो उनका प्रॉब्लम चल रहा था ट्रैफिक का, पिछले 2 महीने में मैं खुद देख रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ, हर दूसरे दिन जा रहे हैं. आज के दिन ही 6 बजे 2 घंटे पहले वो वहाँ खड़े होके नुमाइना कर रहे थे. ये चीज़ दर्शाती है कि इतने बड़े लेवल के दिल्ली के नेता मुंबई के कांदिवली इलाके के रास्ते पे खड़े होकर रास्ते का नुमाइना कर रहे हैं. सो उनके लिए ना कोई चीज़ बड़ी है ना कोई छोटी है, हर चीज़ समान है, हर प्रॉब्लम समान है, हर व्यक्ति समान है. वो VIP भले है लेकिन जुड़े हुए हैं बड़े ग्राउंड से. तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पीयूष जी का, BJP पार्टी का और सारे नेतागण का, अलोंग विद दैट सारे रेसिडेंट्स का, ओबेरॉय गार्डन्स का. मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, हर टाइम ऐसे फंक्शन में बड़ी संख्या में आते हैं. हम लोग सोसाइटी का पूजा करीब 20 साल से कर रहे हैं और ये सोसाइटी में हमारे 312 फ्लैट्स हैं और सारे मेंबर्स हमारे बहुत कोऑपरेटिव हैं. ये मेंबर्स की ये कोऑपरेशन के लिए आप देखते हैं कि हमारी मूर्ति, हमारी कल्चरल फेस्टिवल पूजा सब बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है और यहाँ पर जागरूकता बहुत है. बच्चे, बूढ़े, मजले सब आते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं और 5 दिन का पूजा होता है हमारा और 5वें दिन जाके हमारा विसर्जन होता है. तो ओबेरॉय गार्डन के तरफ से मैं ये कहता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ आज भाव दरेकर जी को, जो आए हमारे पास आए हैं और उन्होंने समय निकाल के हमारे को आशीर्वाद करके गए, उन्होंने पूजा करी और इसकी वजह से हम बहुत खुश हैं और हम आगे उम्मीद करेंगे. हमारे बहुत ही आदरणीय महोदय मिनिस्टर साहब मिस्टर पीयूष गोयल आएंगे 8:30 तक, उनके लिए हम लोगों ने बहुत रंगारंग कार्यक्रम पेश करने का वो किया है, तो रंगारंग कार्यक्रम होगा. ओबेरॉय बिल्डिंग में जिस प्रकार से गणपति बप्पा का विराजमान हुए, क्या कहना है? विराजमान हो गए अच्छे से. इतना हमने 2004 से चालू किया था, इधर स्मॉल था तभी, अभी इतना विशाल रूप आया है. ओबेरॉय गार्डन हमारा पूरा परिवार है, जैसे
सेवन डेज होता है हर वार का, लेकिन वो अलग उससे सबसे इम्पोर्टेंट हुआ ये है हमारा अभी अभिराय।